खरगोन जिले के बड़वा में महेश्वर रोड स्थित अग्रसेन भवन में सुबह विशाल चर्म रोग शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर इंदौर के डॉक्टर के एल पाटीदार रिटायर्ड मेजर ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर लगाया था, जहां आने वाले मरीजों को मात्र 100 रुपए में उपचार कर दवाइयां दी जा रही है। आपको बता दें कि ये दवाई बाजार से नहीं, स्वयं डॉक्टर के साथ आए एक कंपनी कर्मचारी के माध्यम से बेची जा रही थी, जिसका विरोध स्थानीय केमिस्ट दुकानदारों ने करते हुए अधिकारियों को शिकायती आवेदन देकर इस मामले से अवगत कराया। शिकायत के आधार पर स्थानीय नायब तहसीलदार राहुल सोलंकी और CBMO डॉक्टर अनुज कुरखरे द्वारा शिविर में आकर जाँच पड़ताल करना शुरू की। इस दौरान शिविर लगाने वाले डॉक्टर पाटीदार द्वारा शिविर लगाने के लिए किसी भी वरिष्ठ अधिकारियों से परमिशन लेना नहीं पाया गया। वहीं शिविर में बेची जाने वाली चर्म रोग की क्रीम की एक्सपायरी पाई गई। इन गतिविधियों के चलते अधिकारियों द्वारा तुरंत शिविर बंद करवा कर मौका पंचनामा बनाया गया। शिविर में रखी सभी दवाइयाँ जब्त की गई। शिविर में अपने बच्चे का इलाज कराने नवघाट खेड़ी बड़वा निवासी बैरागी ने बताया कि मेरे बच्चे के हाथ पैर में इन्फेक्शन होने से बच्चे को लेकर शिविर में इलाज करवाने आया था। यहाँ फीस के नाम पर 100 रुपये लिए गए और 1200 रुपये की दवाई दी गई, जबकि दवाइयाँ बाजार मूल्य से अधिक की है, जो खत्म होने पर मुझे इंदौर लेने जाना पड़ सकता है। इस शिविर में करीब 37 मरीजों का इलाज कर दवाइयाँ दी गई। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।